हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए कर आई बहुत ही सिंपल रक्षाबंधन मेकअप लुक। तो यहाँ पर मैंने अपने चेहरे को प्रेप कर लिया है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर ब्लू हेवन का, और उसे टैप मोशन में लगा रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मी का सीसी का मूज फाउंडेशन। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अभी न्यू पैकेजिंग ही थी। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इससे करके, और काफ़ी अच्छा लाइट वेट भी है एंड ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। सो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगा लिया। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट भी मेरा न्यू है, अभी परचेज़ किया। ये भी काफ़ी अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। इनके रिव्यू मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जल्दी ही मैं डाल दूँगी। और इससे मैं पूरा फेस अपना सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल। तो यहाँ पर मैं आईब्रो पेंसिल से एक अच्छी सी शेप दूँगी, क्योंकि कोई भी हम मेकअप करते हैं तो आईब्रो का बहुत ज़्यादा मतलब शेप देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे मेकअप ना और उभर के आता है और आपका फेस का लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो आईब्रो फिल करना कभी भी स्किप मत कीजिएगा। सो यहाँ पर मैंने स्पूली से आईब्रो को कॉम कर लिया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बेटन वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर, बहुत ही अच्छा कंसीलर है। और इस एक्चुअली ये मेरा ना थोड़ा सा एक शेड डार्क आ गया है, मुझे एक इसका जो शेड लाइट वाला है ना, लाइट बेज, मुझे वो मंगाना है। सो फिलहाल मैं अभी इसी से काम चला लेती हूँ, ठीक रहता है, पर थोड़ा सा डार्क लगता है मेरे को। तो इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और इसको भी सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो कंसीलर को मैंने सेट कर लिया। अभी मैं आई शैडो पैलेट से अपना आई मेकअप शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये पिंक कलर का, थोड़ा डार्क पिंक कलर का, मर्जेंटा कलर का ये आई शेडो पैलेट से मैं इसको अच्छे से पफिंग ब्रश से ब्लेंड करूँगी, और ऑरेंज शेड लूँगी थोड़ा सा, उससे भी ब्लेंड करूँगी। एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है आपको, कोई हार्श लाइन ना दिखे। देन इसके बाद मैं ये शिमरी येलो शेड दे रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्रेस का येलो शेड है ना, तो थोड़ा सा मैं मिडल में थोड़ा सा उसको लगा के और अच्छे से एक क्लीन ब्रश से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे एक अच्छा सा लुक आए। तो यहाँ पर मेरा आई मेकअप हो चुका है, अभी लगाना है आईलाइनर। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा आईलाइनर लगाऊंगी, विन आईलाइनर नहीं लगाऊंगी एक्चुअली, बस नॉर्मल ही ऐसे ड्रॉ कर लूँगी, थोड़ा सा हल्का सा निकला हुआ, वरना विन मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिंपल सा ही मेकअप चाहिए था रक्षाबंधन के लिए। इसे कोई भी आप इजीली कर सकते हो, सिस्टर या फिर मैरिड हो, कोई भी आप इस मेकअप को कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी हाइलाइटर से अपनी आँखों को थोड़ा हाईलाइट करूँगी और आईब्रोज़ को भी हाईलाइट करूँगी। देन इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग शेड लेके कॉन्टोर करूँगी अपने फेस को, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होती है, चिक पे, फोरहेड पे एंड नोज़ को थोड़ा सा लुक देने के लिए। अच्छी सी शेडो मिल जाती है तो अच्छा सा लुक आता है इसको यूज़ करने से। देन इसके बाद मैं पिंक और ऑरेंज शेड मिलाकर ब्लश लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। हाइलाइटर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छा भी लगता है, ग्लोई ग्लोई फेस लगता है हमारा। सो यहाँ पर मैंने हाइलाइटर लगाया। देन इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, और ये है लिक्विड लिपस्टिक, पिंक एंड पीच टोन में थोड़ा सा मिक्स है, तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ और लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो फेस्टिवल के लिए अच्छा है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।